हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिक टू राइट द प्रोडक्ट फॉर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आपको दिया जाएगा टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड या फिर कीटोन के दो डिफरेंट मॉलिक्यूल दिए जाएंगे। ऑलराइट, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड दिया गया है, डेट इज एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपेनल्डिहाइड। और ये जो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ये होता है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। सो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? तो जब भी अगर आपको टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड या फिर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन दिखे और यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट हमको देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब दोनों ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तब वहाँ पर फोर डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता और इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता, तब वहाँ पर टू प्रोडक्ट फॉर्म होते। बट यहाँ पर दोनों ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? टोटल फोर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, तो कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड, इससे पहला प्रोडक्ट मिलेगा। देन नेक्स्ट प्रोपेनल्डिहाइड प्लस प्रोपेनल्डिहाइड, देन एसिटल्डिहाइड प्लस प्रोपेनल्डिहाइड एंड प्रोपेनल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल फोर प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। तो सबसे पहले हम लेंगे ए प्लस ए, डेट इज एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट करवाएंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। सो यहाँ पर देखिए, ये जो पहला मॉलिक्यूल है, पहले मॉलिक्यूल से आपको ऑक्सीजन निकालना है और दूसरे मॉलिक्यूल से जो अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ से टू हाइड्रोजन को निकालना है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। सो ये अल्फा हाइड्रोजन है, सो यहाँ से टू हाइड्रोजन और यहाँ से ये ऑक्सीजन, डेट इज वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। बचा हुआ जो है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, डेट इज CH3, देन C। अभी यहाँ पर देखिए, इस कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो इस कार्बन के सामने डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। देन नेक्स्ट यहाँ से टू हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH, देन C डबल बॉन्ड OH। ऑलराइट, सो दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट सेकेंड प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? सो प्रोपेनल्डिहाइड प्लस प्रोपेनल्डिहाइड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, अगेन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। सो यहाँ पर देखिए, ये है अल्फा हाइड्रोजन, सो यहाँ से टू हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, डेट इज वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3 को हम इस तरीके से बीच में नहीं लिख सकते। ठीक है, CH3 को हमें क्या करनी पड़ेगी? एज अ ब्रांच के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे लिख देते हैं, देन यहाँ पर आ जाएगा CH3। ऑलराइट, यहाँ से टू हाइड्रोजन निकल चुका है, तो सिर्फ C बचा। देन नेक्स्ट C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज सेकेंड प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज सेकेंड प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट इसका रिएक्शन करवाएंगे, सो एसिटल्डिहाइड प्लस प्रोपेनल्डिहाइड। सो दिस इज एसिटल्डिहाइड, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस प्रोपेनल्डिहाइड, दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, सो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, टू हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन। ऑलराइट, सो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देंगे हम, डेट इज CH3 CH डबल बॉन्ड। ओके, CH3 को हम बीच में नहीं लिख सकते, तो सबसे पहले हम कार्बन को लिखेंगे, फिर यहाँ से ब्रांच करके CH3 लगाएंगे। ऑलराइट, then next C double bond OH, so this is third product. then next fourth product कैसे मिलेगा हमें? so propanaldehyde plus acetaldehyde, so CH3 CH2 C double bond OH, this is propynaldehyde, then acetaldehyde, that is CH3COH. So यहाँ से this is अल्फा हाइड्रोजन, so यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन that is H2O बाहर निकलेगा और बचा हुआ जो भी है उसको हम as it is लिख देंगे, that is CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड देन CH C डबल बॉन्ड OH. सो दिस इज 4 प्रोडक्ट. ऑलराइट, सो यहाँ पर टोटल कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं? 1 2 3 4. सो इस तरीके से आप क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का आसानी तरीके से प्रोडक्ट निकाल सकते हो. आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो. अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए.